Hello friends, once again you are welcome to our contentful YouTube channel पढ़ाई का क्वेच। आप लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स वीडियोस और आज हम स्टैंडर्ड 10th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 नेम्ड बाय ट्रायंगल्स। अब ये नाम का चैप्टर आप स्टैंडर्ड 9th में भी स्टडी कर चुके हो, चैप्टर नंबर 7 आता था उसमें ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का बेसिक आपने वहां पे स्टडी किया है, व्हाट इज ट्रायंगल। ठीक है, तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जॉइंट करने से, इन ऑर्डर जॉइंट करने से जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसे कहा जाता है ट्रायंगल्स। फिर ट्रायंगल्स की कुछ टाइप्स थे, ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन। फिर उसके बाद आपने वहां पे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी स्टडी की थी। कॉन्ग्रुएंस इज द प्रॉपर्टी बिटवीन टू ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस किसे कहते थे, आप टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। या तो ऐसे बोलते थे, ऑल एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग ऑल एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, सेम वे ऑल साइड्स आर इक्वल टू द अनदर ट्राइंगल साइड्स, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपने स्टडी किया था, अब यहाँ पे हम कंसेप्ट जो नया स्टडी करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट आपका स्टडी किया हुआ है, यहाँ पे हमें जो नया टॉपिक स्टडी करना है वो है सिमिलैरिटी। क्या है सिमिलैरिटी? तो सबसे पहली चीज, कॉन्ग्रुएंट में आपको एक चीज बता दूं, शेप दो फिगर होती है, इट इज द प्रॉपर्टी बिटवीन टू फिगर्स, बिटवीन टू पॉलीगॉन्स, ठीक है, या तो बिटवीन टू फिगर्स, शेप्स आर सेम, दोनों के शेप सेम होते हैं एंड साइज आर सेम, दोनों की साइज भी सेम होती है। जबकि सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप ही सेम होते हैं, शेप्स आर सेम, साइज डजंट मैटर, मींस साइज सेम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहां पे दो ट्रायंगल्स ही ड्रॉ करता हूं। अब ये दोनों ट्रायंगल के शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो ये दोनों सिमिलर हैं। सिंबल कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, एंड सिमिलैरिटी का सिंबल सिर्फ ऐसे है, नीचे इक्वल टू नहीं आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप तो सेम होना चाहिए बट साइज भी सेम होनी चाहिए, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, ये ठीक से माइंड में रखना है। कॉन्ग्रुएंट में शेप एंड साइज बोथ आर सेम, वेयर व्हेन सिमिलैरिटी इट इज ओनली शेप्स आर सेम, ठीक है। तो इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट। अब उसके बाद सिमिलर पॉलीगॉन्स की बात आएगी कंसेप्ट में, डेफिनेशन के हिसाब से सिमिलर पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स मतलब एक से ज्यादा पॉलीगॉन है। तो टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding sides, उनकी corresponding sides
इफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स, इफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। सॉरी, करस्पोंडिंग इधर साइड्स नहीं आएगा, इधर एंगल आएगा। इफ देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। हाँ, रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसे अदर वर्ड्स में ऐसा भी कहा जाता है, राइट, साइड्स का करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब सिमिलर पॉलीगॉन्स के बाद में यहां पे डेफिनेशन लूंगा सिमिलर ट्राइंगल्स, और फिर इसमें समझाऊंगा मैं ठीक से आपको सिमिलर ट्राइंगल्स। डेफिनेशन सेम ही होगी, पॉलीगॉन की जगह पे सिर्फ ट्राइंगल आएगा। टू ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल की बात हो रही है, दो की। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे इफ इफ देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब होगा साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब एक और चीज बता दूं, ये जो सेंटेंस है ना, ये है इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उसके करस्पोंडिंग है। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगे, तभी वो सिमिलर होंगे। कन्वर्स भी ट्रू है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल हैं एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इफ करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, करस्पोंडिंग एंगल्स मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स एंड एंड ए बी साइड्स हैं, ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, देन तो इसका मतलब ये होगा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर करस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। एक और चीज यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, जैसा आपको कॉन्ग्रुएंस, देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर है तो उसका नाम आप ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल क्यू आर पी, ऐसा कुछ भी रख सकते हो। इसके टोटल 6 नाम होंगे, बट जब आप सिमिलैरिटी में लिखते हो तब सिर्फ आप करस्पोंडेंस ही ले सकते हो, मतलब ए के ऑपोजिट में पी है तो ए के ऑपोजिट में पी, बी इक्वल्स टू क्यू है तो बी के करस्पोंडेंस में क्यू, सी इक्वल्स टू आर है तो सी के करस्पोंडेंस में आर।
ये कंपलसरी है। अगर आप यहां पे लिखते हो अलग से तो चलेगा, लेकिन सिमिलैरिटी में अगर आप ट्रायंगल का नाम चेंज करोगे देन इट इज रॉन्ग। ये मैंने आपको 9th में कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी में भी समझाया है, क्लियर है। ये हो गया सिमिलैरिटी का बेसिक टॉपिक। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 6.1 पे। सबसे पहले आपको ये लिखना है अपनी फेयर बुक में विथ एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं की है, जरूर नहीं है, सिर्फ ये समझ ये ध्यान रखना है, ये कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब ये ऐसा होता है तो दोनों सिमिलर है, अगर दोनों सिमिलर हैं तो ऐसा भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो चलिए अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 में, जो हमारी आज की एकदम इजी वाली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अभी हम ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, पहली ब्लैंक है ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक, ब्रैकेट में ऑप्शन है कॉन्ग्रूंट एंड सिमिलर। ऑल सर्कल्स, कॉन्ग्रूंट किसे कहते हैं, शेप भी सेम हो साइज भी सेम हो। तो देखिए यहां पे मैं दो सर्कल ड्रॉ करूंगा, इन दोनों में शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो सिर्फ शेप सेम हो उन दो फिगर्स को क्या कहा जाता है, यस वेरी गुड, क्या कहा जाता है, सिमिलर। तो पहला ऑप्शन, पहली ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, सिमिलर। सेकंड ब्लैंक, ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स किसे कहते हैं पता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट वो पर्सनल होते हैं, यहां पे हमें करस्पॉन्डिंग बोलना है। ये देखिए ये एक स्क्वायर और ये हो गया दूसरा स्क्वायर। चलिए बताइए ये दोनों क्या होंगे, सिंपल आप बोल पाओगे दोनों तरह से है, देखिए शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, ऑल स्क्वायर्स बोला है इसलिए आप कैसा भी स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, कोई इतना भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। इनका शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, या तो अदर वर्ड्स में कहो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों सारे स्क्वायर्स जो है वो भी एक दूसरे को कैसे होंगे, सिमिलर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स, अब उसमें ऑप्शन गिवन है आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। आइसोसेलेस में सिर्फ टू साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि इक्विलेटरल में कैसी होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल, तो तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं इक्विलेटरल में एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल कितने कितने के होते हैं, 60 60, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल किस में प्रूव होगा, इक्विलेटरल में, आइसोसेलेस में एंगल इक्वल प्रूव नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी शेप सेम है साइज डिफरेंट है, या तो डेफिनेशन के हिसाब से बोलोगे, देखिए वो कंसेप्ट है शेप सेम साइज डिफरेंट, ठीक है, या तो साइज डजेंट मैटर, जबकि ये डेफिनेशन है टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग वन ऑन वन, ठीक है। तो यहां पे आएगा आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गई ब्लैंक, आपको पूरी ब्लैंक लिखनी है, मैं तो सिर्फ समझा के फटाफट कर रहा हूं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसमें भी फोर्थ ब्लैंक है, फोर्थ ब्लैंक में क्या कहा है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट वन इज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ब्लैंक एंड बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ब्लैंक। तो देखिए करस्पॉन्ड टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या आएगा, इक्वल, पहली ब्लैंक में आएगा इक्वल एंड दूसरी में क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो दो ब्लैंक है उसमें, पहली ब्लैंक में इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में होता है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2,
गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट वन सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स हमने ऊपर अभी ब्लैंक में ही डिस्कस की है। फर्स्ट वन टू टू स्क्वेयर्स, टू स्क्वेयर्स आर सिमिलर, टू स्क्वेयर्स आर सिमिलर। ऑल्सो रेक्टेंगल भी सिमिलर होंगे क्योंकि उसमें भी एंगल्स इक्वल होते हैं। नहीं सॉरी नहीं होंगे, रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं होंगे शायद, नहीं सॉरी नॉट शायद, मैं क्लियर बता देता हूं आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। थ्री थ्री टू टू फोर फोर टू टू, हाँ रेक्टेंगल्स नहीं होंगे, सिर्फ स्क्वायर ही सिमिलर होंगे। ठीक है, तो उसमें रेक्टेंगल का एग्जांपल मत देना, स्क्वायर्स का दिया। अभी सर्कल भी आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। सर्कल भी आते हैं एंड नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर में क्या आएगा बोलिए, नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स में आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर या तो मैं, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देता हूं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर्स में तो आप कोई भी दे सकते हो। सेकंड वन देखिए, आप बोलोगे सर एंगल्स तो इक्वल है करस्पॉन्डिंग, बट साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। फिर सेकंड वन नॉन सिमिलर के बाद आएगा, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉन सिमिलर। क्लियर दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो अभी आप बताइए ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। सिंपल है, दिख रहा है रेशियो तो इक्वल है बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे नो, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। देन ये एक्सरसाइज 6.1 इज कंप्लीटेड। ये था बेसिक कंसेप्ट। ये वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। हालांकि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है जो समझ में ना आए, एकदम इजी कंसेप्ट है। तो ये लिख लीजिए एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा लेंगे क्योंकि कंसेप्ट चेंज होता है। ये कंसेप्ट आज के लिए इतना इनफ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।